नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रिय बच्चों, आप पढ़ाई करने के लिए जिन कॉपियों का प्रयोग करते हो उनके पन्नों पर अक्सर बाईं ओर एक लाल या नीली रेखा लगी होती है और इसे क्या कहते हैं? इसे हाशिया कहा जाता है और अक्सर हाशिए वाली जगह को हम खाली छोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, समाज में भी कुछ इस तरह के तबके हैं जो हमारे अन्य समाज से थोड़े भिन्न हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो भी हाशिए से जुड़ा हुआ है। आज हम आठवीं कक्षा के लिए निर्धारित की गई सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का अध्याय हाशियाकरण की समझ पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी वो जातियाँ हैं समाज में जो हाशियाकरण के दायरे में आती हैं और आखिर हाशियाकरण है क्या, ये भी हम समझेंगे। अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि भारत में हाशियाकरण के दायरे में कौन कौन सी जातियां आती हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं अध्याय। अध्याय को अच्छे से समझने के लिए आइए अध्याय की शुरुआत NCERT की पुस्तक में दी गई एक कहानी से करते हैं। कहानी दिल्ली में एक आदिवासी परिवार के कमरे से शुरू होती है। सोमा और हेलेन दादाजी के साथ टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही है। तभी उनमें से एक कहती है, अरे देखो आदिवासियों की नाव। दादू, ये आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? क्या ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते? फिर दादाजी कहते हैं, सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें अपनी जमीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। फिर उसने कहा, तो दादाजी आप यहाँ कैसे पहुँचे? फिर दादाजी कहते हैं कि तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वो हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना हमें अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। फिर सोमा कहती है, दादाजी फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? दादाजी फिर आगे बताते हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते थे हम उन्हें करने लगे। वहाँ पर एक बार एक अफसर आया। उसने हमें बताया कि हमारी जमीन के नीचे लोहे के भंडार हैं और वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने हमसे बड़े बड़े वायदे भी किए कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर हमारे गांव की अनपढ़ जनता से कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगवा लिए और जो वादे किए थे उन्हें भी देने से मुकर गए। और फिर मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख भी लिया। तब उन्होंने हमारे साथ भी मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और रातों रात हमारा इलाका खाली हो गया। ओ दादू हमारी जमीन, छोटी बच्ची ने फिर कहा। 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार ने हमें बस थोड़ा सा पैसा दिया। मैं अपने ज्यादातर दोस्तों के उसके बाद फिर कभी मिल ही नहीं पाया।
शहर में पैसे मुश्किल से थोड़े दिन ही चले। हमारे पास रोजी रोटी का भी कोई साधन नहीं था। हम सब किराए के एक कमरे वाले मकान में रहने लगे और अपनी बेखौफ जिंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। दादाजी उन दिनों को याद करके बताते हैं कि बहुत मुश्किल से कटे वो दिन, इसीलिए तुम दोनों को भी हम कई साल स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी, बच्ची कहती है। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। फिर दादाजी आह भरते हुए कहते हैं कि काश मैं अपने गांव को बर्बाद होने से रोक पाता, काश मैं अपने दोस्तों से फिर मिल पाता। अपनी पुश्तैनी जमीन के बारे में ये कहानी सुनकर वो बच्ची कहती है कि एक दिन मैं अपनी उन आदिवासी लोगों पर एक कहानी बनाऊंगी और उस पर एक फिल्म भी बनाऊंगी। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से एक आदिवासी परिवार को जिस तरह से उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा, वैसे ही कितने ही लाखों आदिवासियों की कहानियां इससे मिलती जुलती होंगी। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आइए और अधिक जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आदिवासी कौन लोग होते हैं। प्रिय बच्चों, आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में। अगर हम औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये सभी वो क्षेत्र हैं जो खनिज पदार्थों के लिए आपने पहले पढ़े होंगे, सुने होंगे। प्रिय बच्चों, आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा आदिवासी समूह हैं, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड विद त्रिपुरा में रहते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। प्रिय बच्चों, आपने शायद अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। अक्सर सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी जातियां अनुसूचित जनजातियों में आती हैं। प्यारे बच्चों, आइए आदिवासियों के कुछ धर्मों के बारे में जानते हैं। आदिवासियों में इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग धर्म हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं होती हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वहीं निवास माना जाता है। आपने पुराने नाटकों और फिल्मों में कई बार देखा होगा कि आदिवासी लोग जो हैं, उन्हें आप देखते ही पहचान जाते हैं। देखा है आपने कभी ऐसा कोई नाटक या फिल्म? जी हाँ, जरूर देखा होगा। और पहचानते कैसे हैं आप उन्हें? बिल्कुल सही, उनकी वेशभूषा को देखकर। प्यारे बच्चों, ये आदिवासी समुदाय ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा करते हैं। अर्थात प्रकृति में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वो पर्वत हों, पेड़ पौधे हों, पत्थर हों या लता कुंज,
अर्थात वाटिकाएं उनकी ये पूजा करते हैं। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों वे शाक्त वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते हैं। उड़ीसा में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम के जो आदिवासी लोग हैं वो शक्ति व तांत्रिक परंपराओं के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा कि आदिवासियों की भाषा आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी भाषा बोलते हैं। इन भाषाओं ने बंगला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरी तौर पर प्रभावित किया है। प्रिय बच्चों, अगर पोशाक की बात करें तो अगर हम बहुत पुरानी आदिवासी जातियों को देखें तो वो अक्सर पेड़ों के पत्तों से बने हुए परिधान पहनती थी। अन्यथा आदिवासियों को अक्सर बहुत ही रंग बिरंगे और अपनी अलग पहचान वाले परिधानों के रूप में भी जाना जाता है। आदिवासियों और उनकी प्रचलित छवियों की जहां तक बात है तो हमारे देश में आदिवासियों को शुरू से ही एक खास परिधान में पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक है, परंतु जैसे वो हिंदी में एक कहावत होती है ना, कौन सी भला, कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वैसे ही जितने खुशनुमा ये आदिवासी लोग दिखाई देते हैं, इनका जीवन उतना सरल और सादा नहीं है। बहुत सारी दिक्कतों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारा भेदभाव इन लोगों को सहना पड़ता है, क्योंकि ये खास समुदाय समाज की मुख्य विचारधारा से थोड़े अलग होते हैं। आइए अब जानते हैं आदिवासी और उनके विकास के बारे में। प्रिय बच्चों, आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। खनिजों की बात हो चाहे जड़ी बूटियों की बात हो, अर्थात लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला और हीरा अक्सर हमें इन्हीं इलाकों से खनन के बाद प्राप्त होते हैं। और जंगलों से तो आप जानते ही हैं कि जड़ी बूटियां, मोम, लाख, शहद और स्वयं बहुत सारे जंगली जानवर जिनका प्रयोग अक्सर समाज की मुख्य विचारधारा में रह रहे लोग कर रहे होते हैं वो हमें जंगलों से ही मिलते हैं। और अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो जंगल वर्षा लाने में भी सहायक हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। ये जंगल हमारी हवा और पानी की गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैंच थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। प्रिय बच्चों, सामने दी गई तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि का बिल्कुल अलग रूप प्रस्तुत करती है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीन कर आजीविका चलाते थे। यानी अगर हम बात करें कि आदिवासियों की जिंदगी कैसे कटती थी तो ये लोग शिकार करके और चीजों को बीन कर अपनी आजीविका चलाते थे। दूसरा, वे एक जगह कम ठहर कर रहते थे।
तीसरा, वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है। प्यारे बच्चों, आप भारत के अगर मैदानी इलाकों वाले राज्यों में रहते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि सड़कों पर चलते हुए कभी कभी आपको पशुओं के बहुत बड़े बड़े झुंड वाले समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखाई दे देते हैं। या अगर कभी आप पंजाब के कुछ खास इलाकों में गए हों तो आपने वहां देखा होगा कि बंजारा समुदाय के लोग अपनी बैलगाड़ियों पर कभी इस गांव में और कभी उस गांव में रैन बसेरा करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आदिवासियों के ये समुदाय आज भी आसानी से भारत के विभिन्न राज्यों में देखे जा सकते हैं। हालांकि इनका निवास स्थान अब इनकी पुश्तैनी जगह यानी जंगल नहीं रहे, ये अब मैदानी इलाकों में रहते हैं। प्यारे बच्चों, 200 सालों से आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों, राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव के कारण इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए धकेला जा रहा है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर ना तो कोई नियंत्रण है और ना ही उनकी सीधी पहुंच। प्रिय बच्चों, आइए अब कुछ ऐसी मांगों को सूचीबद्ध करते हैं जो अक्सर इस समुदाय की रहती है। प्रिय बच्चों, ये समुदाय जंगलों में रहते हैं और सरकार अक्सर मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी के लिए इन जंगलों पर निर्भर करती है। खनन के लिए सरकार को वन भूमि की आवश्यकता होती है। गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग भी किया जाता है। और एक और बात, वनों में केवल समुदाय नहीं रहते हैं, वन पशु पक्षियों के लिए भी आश्रय होते हैं। वन्य जीव अभयारण्यों के रूप में भी सरकार द्वारा इनकी जमीन को आरक्षित कर दिया जाता है। और प्रिय बच्चों, जिन मांगों की मैं बात कर रही थी वो मांग यहीं से शुरू होती है कि इनके जो पुश्तैनी जंगल हैं उनका लगातार दोहन ना किया जाए, क्योंकि लगातार जंगलों का दोहन चाहे वह किसी भी उद्देश्य को लेकर हो रहा हो इनकी निजी जिंदगी को बहुत अधिक प्रभावित करता है। प्यारे बच्चों, आपने एक शब्द सुना होगा, शब्द है विस्थापित। विस्थापित का अर्थ सामान्यतः अगर देखा जाए तो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह बस जाना विस्थापन कहलाता है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे। और ये बात मैं आपको भारत के संदर्भ में बता रही हूँ। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से बहुत अधिक संख्या में आदिवासी लोग थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। इसके अलावा इन्हीं जंगलों में 54 राष्ट्रीय पार्क और 372 वन्य जीव अभयारण्य भी शामिल हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 109,652 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे और आज इनका प्रयोग राष्ट्रीय पार्कों या वन्य जीव अभयारण्यों के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि जब इन्हें इनके जंगलों से निकाल दिया जाता है तो ये लोग जाकर बसते कहाँ और करते क्या हैं? प्यारे बच्चों, अपनी जमीन और जंगलों से बिछुड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थलों के छीनने के बाद ये आदिवासी समुदाय
छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर मामूली वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते। आपने कहानी के आरंभ में देखा ना कि कैसे दादू के परिवार के जो लोग थे उन्हें अपने उड़ीसा का एक खुशनुमा माहौल छोड़कर दिल्ली की तंग गलियों में एक कमरे के मकान में आकर बसना पड़ा। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से उनके अपने बच्चे जो थे वो मूलभूत आवश्यकताएं। प्रिय बच्चों के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? शिक्षा। आपने देखा कि कैसे सोमा जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाती है तो किस तरह से वो अन्य बच्चों से पिछड़ जाती है। प्रिय बच्चों, कभी कभी आदिवासियों की जमीन को कुछ औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए भी उजाड़ दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर उनके सार्वजनिक जो जगहें हैं जैसे शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब आदि, उनको भी सरकार अपने कब्जे में ले लेती। प्रिय बच्चों, हाशियाकरण के दायरे में एक अन्य जाति भी आती है। अभी हमने जो पढ़ा वो हमने चर्चा की आदिवासियों के बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो है अल्पसंख्यक। प्रिय बच्चों, इकाई एक में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आइए विस्तृत चर्चा करने से पहले जानते हैं कि अल्पसंख्यक का क्या अर्थ होता है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम होती है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, कभी कभी सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी इससे जुड़ जाते हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है, और अक्सर जो लोग संख्या में कम होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है, और जो लोग या जो समुदाय संख्या में ज्यादा होते हैं उन्हें बहुसंख्यक कहा जाता है। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हिंदू समुदाय यहाँ बहुसंख्यक समुदाय है। मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी आदि जो समुदाय हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय। प्रिय बच्चों, इन्हें माइनॉरिटीज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात अवश्य स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि हमारा जो भारतीय संविधान है इन सभी अल्पसंख्यकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या जो इनकी समानता है उसका हनन नहीं होने देता। और सरकार का एक अंग जो बहुत ही अहम है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, वो इन मौलिक अधिकारों को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाता है। प्रिय बच्चों, मुसलमान जाति जो है वो अल्पसंख्यक के दायरे में भारत में आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिल पाते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के कई रीति रिवाज और उनका व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग है। मसलन
मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का जो चलन है वो समाज के अन्य हिस्सों में दिखाई नहीं देता। और मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वो जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, या यूं कहिए कि कुछ खास परिस्थितियों में उन्हें वो इलाके छोड़ने पड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति को हम कहते हैं घेटोआइजेशन। प्रिय बच्चों, घेटोआइजेशन शब्द, यह शब्द आपके लिए नया है। यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट करने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं, जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है, और इसे ही घेटोआइजेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में आपने देखा कि मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इन सारे समूहों के अनुभवों से यह भी पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हमने समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या अर्थ होता है। विभिन्न हाशियाई समुदायों के बारे में भी आपने जाना। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य के तौर पर कुछ प्रश्न दे रही हूँ। पढ़े गए अध्याय के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है, आदिवासी समुदाय की कोई दो समस्याएं लिखें। दूसरा प्रश्न, जंगलों के कौन कौन से लाभ हैं, अर्थात जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर क्यों माना जाता है। और आखिरी प्रश्न, प्रिय बच्चों, आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए वो कौन कौन से कदम हैं जो हाशियाकरण से निपटने में मददगार साबित हो। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किसी समाज में हाशियाकरण कितना मायने रखता है, और आपने ये भी जाना होगा कि भारतीय समाज में हाशियाकरण के दायरे में आने वाली जो जातियां हैं वो कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अलग थलग है। आपने ये भी जाना कि किस तरीके से भारतीय सरकारें जो हैं इन तबकों को इनकी स्थितियों से उबारने के लिए कार्यरत हैं। आपने ये भी जाना कि किस तरीके की जिंदगी ये लोग जीते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।